तो हेलो फ्रेंड्स, अगर आप भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं, किसी भगवान के ऊपर अपना फेस लगाकर कुछ इस टाइप का, शंकर भगवान पर, सावन पर, बोल बम पर कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग करना चाहते हैं तो कैसे करेंगे, चलिए आज की इस वीडियो में बताते हैं। गाइस, सिर्फ वन क्लिक में आप भी कुछ इस टाइप का फोटो एडिटिंग कर सकते हैं, सिर्फ वन क्लिक में। तो चलिए, अगर आप हमारा चैनल पर नए तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लिया जाए और इस टाइप का फोटो कैसे एडिटिंग कर, चलिए बताते हैं। सबसे पहले गाइस, आप लोग इस फोटो को ले लीजिएगा, आपको गूगल पर डाउनलोड कर लेंगे, नहीं तो मेरे व्हाट्सएप चैनल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहाँ पर का ज्वाइनिंग हो जाएगा, आपको मिल जाएगा इस टाइप का फोटो। उसके पास है गाइस, यहाँ पे सबसे पहले करना क्या होगा, सबसे पहले यहाँ पे स्क्रॉल कर यहाँ पर टेक्स्ट वाला ऑप्शन दिख रहा होगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन पे क्लिक कर लेंगे। टेक्स्ट वाला ऑप्शन पर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर सबसे पहले कोई इमोजी या कोई भी एक यहाँ पर व्हाइट पट्टी कुछ भी लगा सकते हैं। तो गाइस, यहाँ से मैं एक इमोजी सेलेक्ट कर यहाँ पे मुझे यहाँ पर पार्वती जी के ऊपर यहाँ पर इमोजी लगा देना होगा। सबसे पहले यहाँ पर पार्वती जी के पास इमोजी लगा लेना होगा, उसके बाद यहाँ से फोटो को डाउनलोड कर लेना होगा। उसके बाद से गूगल पर आ जाएंगे, गूगल पर आने के बाद यहाँ पर रेमेकर AI सर्च कर लेंगे। जैसे रेमेकर AI सर्च करेंगे गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा और यहाँ पर रेमेकर AI वाला ऑप्शन पर क्लिक कर लेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर सबसे पहले रेमेकर AI पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद आपके सामने डायरेक्ट इस टाइप का इंटरफेस खुल जाएगा। उसके बाद से गाइस, यहाँ पर फेस सेव का ऑप्शन दिख रहा होगा, फर्स्ट पर इस पर क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस टाइप का सर्चिंग होने लगेगा। सबसे पहले आप लोग जो गूगल से डाउनलोड किए हैं इमेज अपने भगवान शंकर का, उसके पास जो इमोजी उस पर लगाए हैं उस वाले फोटो को सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद से गाइस, यहाँ पे अपना फोटो सेलेक्ट कर लेना होगा जो आपका फोटो है। उसके बाद से मैं ये अपना फोटो सेलेक्ट कर लिया हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं अपना फोटो लगा लिया हूँ, यहाँ पर अभी जो इमोजी लगाए हैं उस फोटो को ले लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पर सेव वाला ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पर देख सकते हैं कि आपका फेस तुरंत वन क्लिक में यहाँ पर लग चुका है। लगने के बाद यहाँ पर सिंपली यहाँ पर डाउनलोड का ऑप्शन दिख रहा होगा, यहाँ पर डाउनलोड वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। डाउनलोड वाले ऑप्शन पर जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ से फोटो डाउनलोड हो जाएगा और इसे ओपन करेंगे। ओपन करने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर अब मुझे ये हटाना है, इमोजी यहाँ से हटाना है और यहाँ पर मैं अपना फेस जरूर लगा लिया हूँ। उसके बाद गाइस, यहाँ पर इमोजी हटाने के लिए पिक आल्ट में आऊँगा और यहाँ पर ऐड फोटो पर क्लिक कर जो अभी गूगल से जो फोटो डाउनलोड किए हैं पहले वाला, उस फोटो को सेलेक्ट कर यहाँ से ऐड कर लूँगा। ऐड करने के बाद यहाँ पूरा फोटो को जूम कर लूँगा अपने अकॉर्डिंग। यहाँ से फोटो को इतना जूम रखने के बाद यहाँ पर देख सकते हैं कि एक यहाँ पे इरेजर का ऑप्शन दिख रहा होगा, इरेजर वाला ऑप्शन पर क्लिक कर यहाँ पे इरेज और यहाँ पे देखिए इमोजी आ रहा है, तो और इधर ब्रश वाला सेलेक्ट कर लेंगे। इस ब्रश को सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे इमोजी अपने ऑटोमेटिक हट जाता है। उसके बाद गाइस, यहाँ पे हटने के बाद यहाँ पर फोटो को यहाँ पे इमोजी देख सकते हैं कि फोटो बनकर रेडी हो चुका है। तो यहाँ से फोटो को डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद गाइस, यहाँ पर देख सकते हैं कि डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर फोटो आपका बनकर रेडी हो चुका है। यहाँ पर मैं PNG को डाउनलोड कर दिया हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं गाइस, फोटो वन क्लिक में आप भी कुछ इस टाइप का बनाते तो जाइए और बनाए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।